जैसा कि आप जानते हैं कि डिलिमिटेशन के हवाले से पिछले साल से एक एक्सरसाइज हो रही है, और जब पहले डिलिमिटेशन का कमीशन यहाँ आया हुआ था तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वहाँ भरपूर नुमाइंदगी की गई, लेकिन इस मागाम को हमेशा नज़रअंदाज किया गया, चाहे वो तहसील के हवाले से, जबकि इस मागाम का हक ये था कि 20 साल पहले ये तहसील होना चाहिए। मागाम का डिग्री कॉलेज मिला है वो किसी का एहसान नहीं है, बल्कि मागाम में शहीद जहूर के खून ने ये रंग लाया है कि उस खून की वजह से यहाँ मागाम में डिग्री कॉलेज मिला। और सबसे जो मागाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारा हक था वो कब छीना गया है, 1967 1952 से लेके 1967 तक ये बाजाबता एक असम्बली, एक हल्का असम्बली हल्का रहा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, जबकि 1952 से लेके 1957 सैयद मुबारक शाह जो बारामला के रहने वाले थे वो यहाँ के एमएलए रहे, और उसके बाद 1957 से लेके 1962 यहाँ मरहूम गुलाम मोहम्मद कान हामी वो यहाँ के एमएलए रहे हैं। 1962 से लेके 1967 तक सईद अब्बास जो नौलरी पट्टन के रहने वाले वो एमएलए रहे हैं, और 1967 में उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी सेंटर में, और उस दौर में इस असेंबली हलके को